शासन ने घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए विद्युत बिलों में एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा की थी। ये योजना 1 मार्च से लागू हो चुकी है। इससे ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। जिसके संबंध में मुख्य विद्युत अभियंता इंजीनियर देवेंद्र सिंह ने बताया कि उपभोक्ता 31 मार्च तक बकाया धनराशि जमा करके बिजली कटने की कार्रवाई से बच सकेंगे। गौरतलब है कि शासन ने कोविड-19 महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियों पर बुरा प्रभाव पड़ने से घरेलू एवं निजी नलकूप के जो विद्युत उपभोक्ता समय से बिल का भुगतान नहीं कर पाए उन पर सरचार्ज की राशि बढ़ती जा रही है। विद्युत वितरण निगमों को राजस्व भी नहीं मिल पा रहा है। योजना में पंजीकरण की अवधि 1 से 15 मार्च तक रहेगी। पंजीकरण के समय उपभोक्ता को 31 जनवरी तक की सरचार्ज सहित बकाया मूल राशि का 30% और 31 जनवरी के बाद के बिलों की धनराशि जमा करनी होगी। समस्त मूल बकाया धनराशि और वर्तमान मासिक बिल को 31 मार्च तक जमा करने पर 31 जनवरी तक के बकाया पर लगा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अभियंता विद्युत इंजीनियर देवेंद्र सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी 2021 तक जो ब्याज की रकम है उसे उपभोक्ताओं के बिलों में से पूरी तरह से माफ़ करने की घोषणा की है। ये स्कीम में क्या है कि 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन होगा और ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। पहले था कि लोग दलालों के चक्कर में पड़े जाते थे कि हमें छूट मिल जाएगी और दलालों के थ्रू इस काम को कराते थे, लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में क्या है, जो नज़दीकी CSC है या बिजली का दफ्तर है वहाँ पे जाकर इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 मार्च है। इसमें शर्त क्या है कि रजिस्ट्रेशन के समय जो ब्याज छोड़ने के बाद रकम बनती है उसका 30% एक मुश्त जमा कराना पड़ेगा और 70% बची हुई राशि 31 मार्च तक जमा कर सकते हैं। यह अंतिम अवसर है। इसके बाद सरकार ने आगे किसी तरह की छूट न देने का फैसला किया है। यह स्कीम घरेलू बत्ती पंखा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हों या शहरी क्षेत्र के हों, के साथ साथ निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए लागू की है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन जी के निर्देशों पर इस स्कीम को लाया गया है और मेरी सभी जनता से अनुरोध है कि इस स्कीम का पूरा लाभ उठाएं और ब्याज के भुगतान से बचें। फिर इसके बाद विभागीय तौर पर कुर्की एवं अन्य कार्रवाई की जाएंगी जिससे बचने के लिए उपभोक्ता के लिए अच्छा होगा कि अपना समस्त बिल इस महीने के आखिर तक छूट का लाभ उठाते हुए जमा कर दें।